जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक नंबर 11, 12, 13, 14, 15 पर चर्चा करेंगे। सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मानः नात्य उत्स्थितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि योग का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले एक शुद्ध स्थान या पवित्र जगह का चुनाव करना चाहिए। जगह का चुनाव यह स्थान साफ सुथरा हो और ध्यान में मदद करने वाला हो। फिर इस स्थान पर आसन अर्थात बैठने की एक स्थिर जगह बनानी चाहिए, जो न बहुत ऊंची हो और न बहुत नीची हो। इस आसन को आप चटाई, कुशा, घास से ढक सकते हैं ताकि वह आरामदायक हो और लंबा समय ध्यान में बिताया जा सके। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविशयासने युञ्जयद् योगम आत्मा विशुद्धः। इस श्लोक में बताया गया है कि उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करना चाहिए। जब आप इस तरह से बैठते हो तो आपके मन और इंद्रियों का नियंत्रित करना आसान हो जाता है। यह आसन एकाग्रता हमें आत्मशुद्धि के मार्ग पर ले जाती है। यह आत्मशुद्धि का मतलब है अपने भीतर की नेगेटिविटी को हटाकर सकारात्मकता का विकास करना। ध्यान में जितनी गहरी एकाग्रता होती है आत्मा उतनी ही शुद्ध होती है। समम काय शिरोग्रीवम धारयन् चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं दिशानन अवलोकयन्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ध्यान के लिए उचित आसन और मुद्रा का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि साधक को अपने शरीर, सिर और गर्दन को एक सीध में सीधा और स्थिर रखना चाहिए। ध्यान में बैठते समय साधक की दृष्टि अपने नाक के अग्र भाग पर टिकी होनी चाहिए और अन्य दिशाओं में नहीं देखना चाहिए। यह मुद्रा एकाग्रता और ध्यान बनाए रखने में सहायक होती है। प्रशांत आत्मा विगत वीर ब्रह्माचारी वृत्ते स्थित मन समय मचितो युक्ता आसित मत पर। इस श्लोक में ध्यान करते समय मनोस्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ध्यान करने वाले व्यक्ति को शांत चित्त और निर्भय होना चाहिए। उसे ब्रह्मचार्य यानी संयमित जीवन का पालन करना चाहिए ताकि ऊर्जा और एकाग्रता ध्यान में बनी रहे। साधक का मन नियंत्रण में होना चाहिए, उसे परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ यह संकेत दे रहे हैं कि साधक को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ ध्यान में बैठना चाहिए। युजन्यवे सत्यात्मन योगी नितमांस शांतिम निर्वाण परमाम मत्सम स्थाम अधिगच्छति। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब साधक अपनी आत्मा को संयमित रखते हुए निरंतर साधना में लगा रहता है और अपने मन को नियंत्रित रखता है तब वह परम शांति को प्राप्त करता है। यह शांति उस परमात्मा के स्वरूप में होती है जिसे मोक्ष कहा जाता है। अर्थात हमें भगवान में अपनी आत्मा को समर्पित करना चाहिए जिससे मन के सभी विकार शांत हो जाते हैं। गीता ज्ञान की खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।